ओके गाइस, तो कैसे हो सब लोग? होप सो कि तुम सब बढ़िया हो गए। तो मेरी वीडियोस देख रहे हो तो बढ़िया ही रहना। तो आज काफी दिनों बाद मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। नहीं, हम लोग कोई बॉक्सिंग मैच नहीं लड़ने वाले हैं, हम लोग माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। माइनक्राफ्ट एपिसोड 1 सर्वाइवल, और इसके लिए मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी, तो थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। अभी हम लोग को अपने वर्ल्ड का नाम रखना पड़ेगा क्योंकि क्रिएट करने से पहले एक प्यारा सा नाम रखना पड़ता है। तो चलो, हम लोग रखने वाले हैं नाम अल्टा, और फिर रखेंगे पुर। आई थिंक अल्टा पुर इज द बेस्ट नेम, आई थिंक मेरे हिसाब से। तो चलो क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को, और वर्ल्ड में ही मिलते हैं। चलो देखते हैं अपने स्पॉन को। ओ, स्पॉन तो काफी सही मिला है, कोई आईलैंड तो कम से कम नहीं मिला। नहीं तो भाई, ओ इधर भाई जगह तो सही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रेंडर हो जाने दो जगह को, तब देखते हैं। तो मैं जहाँ स्पॉन हुआ था उसी के जस्ट सामने मुझे एक अमेजिंग सी चीज़ मिली, तो चलो उस पर चलते हैं। और इसका नाम है रुइन पोर्टल। तो हाँ, मुझे पता है कि रुइन पोर्टल में गोल्ड होता है और मुझे गोल्ड को तोड़ना पड़ेगा, बट मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं है। मैं पिछली वाली गलती नहीं करूँगा यार, मैं तोड़ दिया था, मुझे बहुत दुख हुआ था। इसमें क्या है? ओह, हम लोग को काफ़ी चीज़ें मिल गई, बट कोई भी काम की नहीं है क्योंकि गोल्ड के टूल्स। तो चलो यार, अब इसको सबको इन्वेंटरी में ले लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो सारे सामग्रियों को लेने के बाद हम लोग को पेड़ तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो बेसिक्स है माइनक्राफ्ट की। तो हम लोगों ने कुछ वुड्स तोड़ लिए, तो अभी हम लोग उसका प्लैंक बना लेते हैं, और प्लैंक से सीधा हम लोग बनाने वाले हैं क्राफ्टिंग टेबल। और क्राफ्टिंग टेबल के बाद कुछ स्टिक्स भी बना ही लेते हैं क्योंकि काम तो आएगा ही। तो क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करने के बाद हम लोग उससे बनाने वाले हैं कुछ पिकैक्स ही बना लेता हूँ मैं, या फिर कुछ और भी बना लूँ, या पिकैक्स और एक्स बना ही लेते हैं, हो सकता है लड़ाई हो जाए कहीं ना कहीं। तो अब इसको तोड़ता हूँ मैं और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। हेलो हेलो पिग्गू, क्या तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब हेलो हेलो क्या सब्सक्राइब किया है? पिग्गू, क्या तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? जैसे मेरे व्यूअर्स इग्नोर मारते हैं, मुझे ये पिग्गू भी मार रहा है, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। मैं जा रहा हूँ, स्टोन तोड़ने जा रहा हूँ, मरने नहीं जा रहा। तो चलो सबसे पहले हम लोग जल्दी से स्टोन तोड़ लेते हैं काफी सारे, क्योंकि स्टोन्स के टूल भी बनाने हैं अभी। गाइस, मैंने काफ़ी सारे स्टोन एंड कोल को इकट्ठा कर लिया। तो चलो यार, अब यहाँ से निकलते हैं और कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे अपना रुकना सही हो, मतलब वो जगह थोड़ी सही हो। तो या अभी हो शिट, हम लोगों ने अभी बेड नहीं बनाया, व्हाट द हेल। जल्दी से शीप मारते हैं यार, जल्दी से 3-4 शीप मारते हैं हम। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था भाई, मैं थोड़ा सा भूल गया कि बेड ज़रूरी होता है। तो जल्दी से हम लोग खाने के लिए पिग्गू को भी मार ही देते हैं। तेरे भाई ने मुझको सब्सक्राइब नहीं किया तो भी नहीं करेगा तब तो। तू भी मर जा भाई गाय माता, प्लीज़ यार। मैं मुझे बहुत दुख होता है गाय को मारने में, लेकिन गेम में करना पड़ेगा। तो चलो यार, इस गाय को भी मारते हैं। गाइस, मुझे बस एक शीप और चाहिए, और मैंने बहुत ढूंढ लिया, नहीं मिल रही भाई एक शीप। ये रही नहीं, ये शीप थोड़ी ना है, ये तो लामा है। अरे यार, एक शीप मुझे और मिल जाती तो हम लोग बेड बना सकते थे, और रात भी होने वाली है भाई। यार मुझे लगा ये शीप है भाई। लामा यहाँ क्या कर रहा है भाई? भाई तू बता, ये कर क्या रहा है तू? इतने झूठ मारूंगा। अब गधी जैसे मुंह वालों का इलाका भी होने लगा वो। चल बैठा मेरे, चलो यहाँ से भागते हैं। तो गाइज, मुझे ये जगह थोड़ी अच्छी सी लग रही है, तो यहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, अपने लिए खाना बना लेते हैं क्योंकि रात होने ही वाली है जस्ट थोड़ी सी देर में। तो जल्दी से मैं क्राफ्टिंग टेबल निकाल के फर्नेस बनाता हूँ। मैंने फर्नेस में खाना पकने को लगा दिया है, और जो कोल लेके आया था उसको भी लगा दिया। तो अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग एक शीप और ढूंढते ही हैं जब तक रात नहीं होती, क्योंकि रात में दिक्कत होने वाली है। मुझे फिर से लगता है कि वही काम करना पड़ेगा जो पिछले वर्ल्ड में किया था, ज़मीन खोद के उसके नीचे ही रहना पड़ेगा एक रात। लेजिट भाई, उस टाइम में एक रात पूरा ज़मीन के अंदर रहा था। अब लगता है कि मैंने गलती कर दी है क्योंकि मैं शीप नहीं ला पाया, और यहाँ पे जॉम्बीज भी स्पॉन होने लगे। क्रीपर तो दिख भी गया मुझे, ओ भाई जॉम्बी भी दिख गया। तो खाना खाते हैं, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के जस्ट अपने खाने के पास निकलता हूँ मैं, और जल्दी से खाना लेके यहाँ से भी निकलते हैं हम लोग। जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा काम, सारा खाना जा, अरे यार सारा निकलना। तो इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, इसको तोड़ना पड़ेगा जल्दी से, इसको तोड़ना पड़ेगा जल्दी जल्दी, टूट जा जल्दी टूट जा। प्लीज प्लीज प्लीज, ओह भाई भाई हट जा, तू हट जा।
अरे यार निकलते हैं यहाँ से, चलो फर्नेस को मैंने शायद ले लिया। तो ज़ॉम्बी से बचने के लिए मैं ज़मीन के अंदर ही आ गया था। कुछ देर बाद मैं ऊपर आके देखा, फिर भी रात ही थी। तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि यार अब रात से डरेंगे इस टाइम तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, तो चलो जल्दी से निकलते हैं। रास्ते में मुझको एक अनोखा ज़ॉम्बी दिखा जिसके ऊपर एक स्केलेटन बैठा था और नीचे स्पाइडर थी। मुझे काफ़ी हंसी आई क्योंकि वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे भाई, उसकी स्पीड काफ़ी तेज थी और वो मुझे लॉन्ग रेंज मार रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से भी निकल गया। सुबह का वेट करते करते मैं काफ़ी दूर आ गया था, इसीलिए मुझे सनसेट काफ़ी सुंदर देखने को मिला। मैं थोड़े से आगे आया तो मुझे एक पम्पकिंस दिख गए कुछ, तो मुझे इससे ये पता चल गया कि यहीं आसपास कोई विलेज है। तो मैं विलेज की तलाश में निकल गया क्योंकि मुझे घर विलेज के पास ही बनाना था। तो सफ़र ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा काट के दिखाता हूँ। तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, ये विलेज मुझे पास में ही मिल गई और एक फॉरेस्ट भी बगल में ही था, तो काफ़ी सुंदर जगह मिल गई मेरे सर्वाइवल स्टार्ट के लिए। और ये जगह पे ही मैं अपना पूरा बनाने वाला हूँ सब कुछ, घर से लेके हर एक चीज़। तो चलो यार इस विलेज में कदम रखते हैं और देखते हैं यार ये सुंदर सा विलेज कैसा है। बाकी सब तो इस विलेज में ठीक है, बट ये कौन है, जिंगल अला हु वाले अंकल भी है क्या यहाँ पे? भाई आदिवासियों के विलेज में मैं आ गया। तो विलेज में आने के बाद सबसे पहला काम होता है हे वेल्स कलेक्ट करना। अगर आप ये नहीं करते तो आप नूब हो, नूब, सबसे बड़े नूब। इसीलिए हे वेल्स को कलेक्ट करना चाहिए और सब लोग ही करते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई सीरियस मत लेना। तो मैंने सारे हे वेल्स कलेक्ट कर लिए विलेज के, और इधर एक खाई है तो वेट अ सेकेंड, वो माइन शाफ्ट है क्या? व्हाट माइन शाफ्ट भाई, क्या जगह मिल गई मुझे, क्या जगह मिल गई भाई, मजा आ गया। चलो अब देखते हैं। ब्रो मेरे को वहां जाना है, वहां से कार्ट दिख रही है सीधा, मुझे उस कार्ट में देखना है क्या है। बट बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, बट चलो यार चलते ही हैं, किसी भी तरह चलते हैं, आओ चलो चलते हैं। मैंने अपने सारे सामान को एक विलेज के घर में रख दिया, वहाँ पे मुझे कुछ एमरल्ड्स भी मिले थे। तो सारे सामान को रखने के बाद और फूड बनाने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं केव की तरफ। तो चलो यार चलते हैं केव की तरफ। ब्रो आर यू सीरियस, इधर पांडास भी हैं, कितना क्यूट है ये। ब्रो इसको ये खिलाते हैं फिर, यार कुछ ना कुछ बनाएंगे भाई यहाँ पे पांडास के लिए भी। तो चलो यार तुम बैठ के यहीं खाओ, मैं निकलता हूँ अपने केव में। देखो केव तो वो रही, लेकिन हम लोग को वहाँ जाना कैसे है? और सब तो सही है लेकिन जाना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। वहाँ पे पानी है, तो अगर हम लोग वहाँ तक थोड़ी सी ब्रिजिंग कर लें तो फिर हम लोग पानी में कूद सकते हैं। तो चलो जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको ट्राई करके ब्रिजिंग करने का ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद उसी पानी में जंप लगा दूंगा मैं। या तो मुझे यहाँ से जंप करना सही लग रहा है कि मैं जंप कर ले जाऊँगा आई थिंक। तो चलो यार जंप कर देते हैं। या भाई वहाँ पे एक ब्लॉक था, मैं मर सकता था, बट या मैं बच गया। तो चलो यार इधर बहुत सारे आयरन, मतलब हम लोग आयरन आर्मर तो अपना कंप्लीट ही करने वाले हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट एपिसोड में मैं हमेशा आयरन आर्मर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो चलो यार पहले ढूंढते हैं, एक कार्ट मैंने देखी थी ये रे, तो चलो देखते हैं इसमें है क्या, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ इसमें क्या है। ओपन हो जा भाई, ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, ज़ॉम्बी से बचना पड़ेगा। गाइस मैं माइनशाफ्ट में आया और ये देखो मुझे क्या मिल गया। भाई इसका मुझे लगता है ये अंदर पूरा खोखला। हाँ ये देखो ब्रो, हम लोग को ये शार्ड वाला मिल गया, कूल ब्रो। तो यहाँ से हम लोग शार्ड भी काफ़ी सारे ले लेते हैं, जो भी इसको बोलते होंगे, मैं भूल गया नाम, शार्ड ही बोलते हैं आई थिंक। तो चलो उठा लेते हैं इसको और फिर देखते हैं चलो चेस्ट में क्या। तो ये रहा पहला कार्ड, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए तोड़ ही लेता हूँ मैं, बाद में देखा जाएगा इसके अंदर क्या है। कुछ अच्छी लूट तो दिखी नहीं मुझे, तो बहुत सारे ऐसे ही कार्ड्स पड़े हैं इधर उधर, तो जल्दी से उन सबको तोड़ के देखते हैं इसमें कुछ अच्छा है। तो चलो इसको भी तोड़ ही लेते हैं ओके चलो ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं और सब मेरे इन्वेंटरी में आ जाए वही अच्छा है। बस मुझे नेम टैग भी मिल जाए, नेम टैग का थोड़ा सा काम बढ़ेगा आगे। ओ इसमें है गोल्डन एप्पल, मुझे दिखा शायद गोल्डन एप्पल ही था। तो चलो यार हम लोग की स्टार्ट तो बहुत अच्छी हुई, तो मतलब इस माइनशाफ्ट में बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, तो चलो चेक करके आते हैं। अगर ये रहा ये भाई, इतने सारे मुझे कभी लाइफ में नहीं मिले लिटरली। मुझे पता है बहुत लोग को डाउट होगा, इसीलिए मैं सीट दे दूंगा कुछ दिन में इसके। सही में चलो ठीक है। तो और इधर मैं जितने भी सामान ले लेता हूँ थोड़े बहुत, और मैं अंदर एक बार और चेक कर लेता हूँ कि अगर एक कार्ट और मिल जाए तो बढ़िया ही है, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से। मुझे लगा ही था कि ये कार्ट तो ज़रूर होगी, तो मैंने इसमें से भी सारा सामान उठा लिया, इधर कार्ट को भी उठा ही लेते हैं।
तो और अभी हम लोग को मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा इसके अंदर घूमना चाहिए, इसीलिए मैं कुछ आयरन्स कलेक्ट करके निकलता हूँ यहाँ से जल्दी से। गाइस मैं केव से निकल के घर पे आके सो गया था, तो मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरे पास टोटल क्या क्या सामान इकट्ठा हुआ है। तो पहले तो अभी हम लोग इतना इसमें जो भी है मेरे पास, तो पहले हम लोग इसको एक चेस्ट में पूरा खाली करते हैं फिर बताता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ रेल गार्ड्स हैं, तो एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी और ये रही पांचवी। ओके अब रेल कार्ड्स के बाद हम लोग को और क्या मिला था, नेम टैग भी मिला था, ये थोड़ा सा रेयर होता है। तो चलो ठीक है, नेम टैग बढ़िया है। और यहाँ पे हम लोग को 28 आयरन्स मिले थे, मैंने अभी स्मेल्टिंग के लिए नहीं लगाया, मेरे पास 16 और हैं जो मैंने वहीं तोड़े थे, और 30 रेल, 8 रेल और थे। और क्या मिला था मुझे वहाँ पे, बस मुझे ज़्यादा सामान नहीं मिला था, मुझे टॉर्चेस मिले थे काफ़ी सारी, वो गई कहाँ। आई थिंक मुझे बहुत सारी टॉर्चेस मिली थी ब्रो, ये कोई ग्लिच था क्या, नहीं मिली है, सॉरी मैंने देखा नहीं, सॉरी। ओके ये टॉर्चेस भी हो गई, तो अभी मेरे पास मतलब उतना भी सामान नहीं था, उतनी अच्छी लूट नहीं मिली, बट कोई ना यार, होता है कभी कभी। तो चलो यार अपना आयरन आर्मर, आयरन टूल सब बनाते हैं चलो। तो यहाँ पे मुझे कुछ नया बनाने का ऑप्शन आया था, तो मैंने 6 वो भी बना लिए, चलो इसको देखते हैं। बैम्बू ब्लॉक, ओके तो ओह इससे घर बनाएंगे, ओके कूल, कितना सही है, कंफर्म घर अगली वीडियो में बनेगा और बहुत तगड़ा बनने वाला है, लिटरली बहुत तगड़ा बनाएंगे घर। तो चलो यार इसको तोड़ लेते हैं और अपना आयरन का आर्मर प्रिपेयर कर। तो गाइस मैंने पूरा आर्मर बना लिया है, और प्लीज़ बताना कि आर्मर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तो लिख देना, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जो भी वो कर रहा हूँ कर दो, और फिर हम लोग मिलते हैं किसी और तगड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए मैं सो जाता हूँ। सो या ये सीरीज़ मैं आपके हिसाब से ही बना रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जो लिखोगे वो इस वर्ड में होने वाला है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए पीस आउट एंड गुड बाय।